संजू सैमसन ने तोड़ा युवराज और क्रिस गेल का रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, आज भारत और बांग्लादेश के खिलाफ तीसरा T20 मैच खेला जा रहा है और इस मैच में संजू सैमसन ने कमाल ही कर दिया। संजू ने शतक ठोककर इतिहास रच दिया। वही एक ओवर में 5 छक्के जड़कर युवराज सिंह और क्रिस गेल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसके बाद युवराज और गेल ने भी संजू पर चौंकाने वाला बयान दिया है। जी हां, आपको बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी संजू सैमसन के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, इस मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और इस फैसले को संजू सैमसन ने सही साबित किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया की शुरुआत तो अच्छी नहीं रही, क्योंकि अभिषेक शर्मा तीसरे ही ओवर में सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि इसके बाद जो हुआ उसे देख सबके होश उड़ गए। संजू सैमसन का हमें अलग ही रूप देखने को मिला। संजू ने यहां से बांग्लादेशी गेंदबाजों की बुरी तरह से पिटाई की। वही कप्तान सूर्या कुमार यादव ने भी संजू का बेहतरीन साथ दिया। पावर प्ले में ही टीम इंडिया का स्कोर 80 रनों के पार चला गया था। वही फिर 7वें ओवर की पहली गेंद पर टीम इंडिया ने 100 रनों का भी आंकड़ा छू लिया। इसी से आप उनकी बल्लेबाजी का अंदाजा लगा सकते हो। संजू और सूर्या हर एक ओवर में छक्के चौके लगा रहे थे। खास करके संजू सैमसन बेहद ही आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। संजू ने छक्का जड़कर सिर्फ 22 गेंदों में अपनी 50 भी पूरी कर ली। वही 50 लगाने के बाद तो उनका सेलिब्रेशन देखने लायक था। वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे, क्योंकि इस पारी से पहले वो काफी ज्यादा प्रेशर में थे, क्योंकि काफी समय से उनके बल्ले से रन नहीं आया था। लेकिन इस पारी से उन्होंने अपने सभी आलोचकों की बोलती बंद कर दी। वही कप्तान सूर्या भी पीछे नहीं थे। उन्होंने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 23 गेंदों में अपनी 50 पूरी की। 10वें ओवर में तो संजू सैमसन ने कमाल ही कर दिया। उन्होंने बांग्लादेश लेग स्पिनर रिशाद हुसैन वो बुरी तरह से धो दिया। इस ओवर में संजू ने लगातार 5 गेंदों में 5 छक्के जड़ दिए। पहली गेंद डॉट रही, लेकिन उसके बाद संजू ने लगातार 5 गेंदों में 5 छक्के जड़ दिए। इसे देख सब हैरान रह गए। हार्दिक पांड्या भी संजू की इस बल्लेबाजी को देखकर हैरान रह गए। वही टीम इंडिया ने 10वें ओवर में ही 150 रनों को पार कर लिया। इसके बाद देखते ही देखते संजू ने अपना शतक भी पूरा कर लिया। संजू ने ये शतक सिर्फ 40 गेंदों में ठोका और ये टीम इंडिया के लिए सेकंड फास्टेस्ट T20 100 है। उन्होंने अपने ही कप्तान सूर्य कुमार यादव का रिकॉर्ड तोड़ा। संजू 47 गेंदों में 111 रन बनाकर आउट हुए। इस पारी में उन्होंने 11 चौके और 8 छक्के लगाए। बांग्लादेश के खिलाफ एक भारतीय का T20 में ये हाईएस्ट स्कोर है। इससे पहले ये रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम था। संजू ने युवराज सिंह को भी इस मामले में पीछे छोड़ दिया। वही बांग्लादेश के खिलाफ T20 में सबसे ज्यादा छक्के और चौके लगाने का रिकॉर्ड भी अब संजू के नाम हो गया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम था। वही 180 संजू सैमसन की इस खतरनाक बल्लेबाजी देख युवराज सिंह और क्रिस गेल भी हैरान रह गए। युवराज सिंह ने कहा, क्या बल्लेबाजी की संजू सैमसन ने मजा ही आ गया। अगर वो पहली गेंद डॉट नहीं रहती तो संजू मेरा 6 छक्कों का भी रिकॉर्ड देता और अगर ऐसा होता तो मैं बहुत खुश होता। हालांकि मैं संजू के लिए खुश हूँ। बहुत समय से हम उनसे ऐसी पारी का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद क्रिस गेल से कहा, बहुत समय बाद मैंने किसी भारतीय से ऐसी बल्लेबाजी देखी है। संजू कितने टैलेंटेड है वो उन्होंने आज सबको दिखा दिया। वही उन्होंने मेरा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगा। संजू को टीम इंडिया को ऐसे में मौके देने चाहिए तो वो आगे जाकर काफी रिकॉर्ड्स तोड़ेंगे। तो दोस्तों, आप संजू सैमसन की इस बल्लेबाजी 10 में से कितने नंबर दोगे कमेंट जरूर करें। वही क्रिकेट के हर खबर के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शर्मनाक हार के बाद बाबर आजम ने टीम इंडिया पर दिया चौंकाने वाला बयान। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच मुल्तान में खेले गए पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को बेहद ही बुरी हार झेलनी पड़ी। वही इस शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम बुरी तरह से भड़क उठे और उन्होंने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। वही टीम इंडिया पर भी बड़ी बात कह दी। जी हाँ, आपको बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान दौरे की शुरुआत जीत के साथ की है। दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच मुल्तान स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने पारी और 47 रनों से बाजी मारी।
पाकिस्तान के लिए ये उनके क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार है। इस हार के साथ पाकिस्तान क्रिकेट के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड भी जुड़ गया है। उनकी टीम को एक ऐसी हार का सामना करना पड़ा है जो 147 साल के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में किसी भी टीम को नहीं मिली थी। पाकिस्तान की टीम ने इस मुकाबले की पहली पारी में 556 रन बनाए थे। ऐसे में उसने मुकाबले की शुरुआत काफी शानदार अंदाज में की थी। मुकाबले के शुरुआती 3.5 दिन तक खेल ड्रॉ की ओर बढ़ रहा था, लेकिन चौथे दिन के आखिरी सेशन से मुकाबले ने ऐसी करवट ली कि पाकिस्तान को पारी और 47 रनों से हार का सामना करना पड़ा। बता दें, टेस्ट क्रिकेट के 147 साल के इतिहास में ये पहला मौका है जब कोई टीम पहली पारी में 500 से ज्यादा रन बनाने के बाद भी टेस्ट मैच हारी है। इंग्लैंड ने 556 रन के जवाब में अपनी पहली पारी 150 ओवर में 823 रन बनाकर घोषित की थी। इस तरह इंग्लैंड ने पहली पारी में 267 रन की बढ़त ली थी, लेकिन इस सपाट पिच पर पाकिस्तान की दूसरी पारी 220 रनों पर ही ढेर हो गई, जिसके चलते उसे पारी से हार का सामना करना पड़ा। खेल के आखिरी दिन पाकिस्तान ने 152 रनों से आगे खेलना शुरू किया और उसके हाथों में 4 विकेट बाकी थे, लेकिन पाकिस्तान की टीम पांचवें दिन एक सेशन भी मैदान पर नहीं टिक सकी। वही दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ इस शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम बुरी तरह से भड़क उठे और उन्होंने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। वही टीम इंडिया पर भी बड़ी बात कह दी। मैच के बाद इंटरव्यू में बात करते हुए बाबर आजम ने कहा, सबसे पहले मैं इंग्लैंड की टीम को बधाई देना चाहूंगा, उन्होंने हमसे काफी अच्छी क्रिकेट खेली और वो इस जीत को डिजर्व करते हैं। वही ये मैच और ये हार हमें जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि हमने न सिर्फ ये मैच हारा है बल्कि बेहद ही बुरी तरह से मैच को हारा है। पहली इनिंग्स में 500 से भी ज्यादा रन बनाने के बाद भी हम मैच हारे हैं, ये बेहद ही शर्मनाक है। दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन हमारी गेंदबाजी बेहद ही खराब रही। वही दूसरी इनिंग्स में हमारे बल्लेबाजी भी बेहद ही खराब रही। हाँ, इंग्लैंड मजबूत टीम है, लेकिन इसी इंग्लैंड की टीम को भारतीय टीम ने अपने घर में बुरी तरह से हराया था, वही हम अपने ही घर में इंग्लैंड से बुरी तरह से हार गए। बाबर आजम ने आगे कहा, हमें अभी बहुत कुछ इम्प्रूव करना पड़ेगा, हम बेहद ही खराब क्रिकेट खेल रहे हैं। हमें टीम इंडिया से काफी कुछ सीखने की जरूरत है। जिस तरह का क्रिकेट टीम इंडिया खेल रही है, कुछ वैसा ही हमें खेलना पड़ेगा। हमारी टीम बेकऑफ नहीं खेल रही है जैसे टीम इंडिया खेलती है। अगर इंग्लैंड जैसी टीम को हराना है तो हमें टीम इंडिया जैसे अटैकिंग क्रिकेट खेलना होगा। दोस्तों, कुछ ऐसा बयान था बाबर आजम का, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट जरूर करें। वही बाबर आजम का पूरा बयान का वीडियो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है।